हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं अब देख रेच के किचन। तो आज आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ बकरा ईद स्पेशल। बकरा ईद को टाइम है, लेकिन बकरा ईद स्पेशल मटन शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप के। वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटन शामी कबाब बनाने के लिए ना, यहाँ पर मैंने 1 kg लिया है मटन कीमा। मटन कीमा जो होता है ना, उसके बदले आप चाहे तो बोनलेस मटन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ना इसे हमें बॉईल करना होगा। मैंने इसे बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था 3 से 4 पानी से, और एक्स्ट्रा पानी ड्रेन कर दिया है। इसे कुकर में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें कुछ इंग्रीडियंट्स हम ऐड कर देंगे, जिसमें कि मैंने लिया है चना दाल। ये चना दाल को मैंने भिगो कर नहीं रखा था, बस वॉश किया है 4 से 5 पानी से। 1 कप के करीब है ये इसमें जाएगा। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, सबकी लिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1 teaspoon मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे, 1 tablespoon भर के जाएगा। अगर अलग अलग ले रहे हो तो 1 teaspoon अदरक का पेस्ट, 1 teaspoon लहसुन का पेस्ट डालना है। 1/2 teaspoon मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। उसी के साथ यहाँ पे गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon भर के मैंने ऐड कर दिया है। गरम मसाला हम जो खड़ा गरम मसाला है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर ना मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 tablespoon भर के। उसी के साथ ड्राई लाल मिर्च जो होती है ना, वो 3 से 4 डाली है, और 2 यहाँ पर हरी मिर्च डाली है। अगर और ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हो तो हरी मिर्च और लाल मिर्च इसकी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 1/2 glass के करीब। ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि ज़्यादा पानी आप इस्तेमाल करोगे तो ये जो कीमा है बहुत सारा पानी रिलीज करेगा, फिर जो कबाब है ना सही नहीं बनेंगे। तो इसका कवर हम लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक रखेंगे, फिर 2 से 3 सीटी लो फ्लेम पर लेंगे हम, और फिर बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कीमे को हमने बॉईल कर लिया है, इसकी सीटी चली गई, तो आप इसका कवर निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने बॉईल किया है। इसमें पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने 1/2 glass ही पानी इसमें डाला था, तो पानी कम ही डालना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये गल चुका है, बॉईल हो चुका है, और चना दाल भी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो इसे एक बार हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, और आप देख सकते हो पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है इसमें। इसी तरीके का हमें चाहिए। अगर कीमे में पानी आपके रहता है तो आप उसे पूरी तरीके से ड्राई करना है, और फिर ही इसे मिक्सी में पीस लेना है। तो देखिए, एक मिक्सी का जार हम लेंगे, ग्राइंडर जार, इसमें हम ऐड कर देंगे कीमा, क्योंकि हमें इसे पीस लेना है। तो विदाउट वाटर पीसना है, क्योंकि पानी हमें पूरी तरीके से ड्राई किया है कुकर में ही, तो पानी डालना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसे मैं पीस लूँगी फाइन। तो जितना भी कीमा था सबको मैंने पीस लिया है फ्रेंड्स, ग्राइंड कर लिया है बहुत ही अच्छे से। आप देख सकते हो स्मूथ यहाँ पे ये हो जाता है मिक्सचर। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ना पहले से ही प्याज को चॉप कर लिया था चॉपर में डालकर, तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, और उसी के साथ मैंने 1 bunch लिया था फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, मतलब फ्रेश हरे धने के पत्तों को वॉश करके कट करके ऐड कर दिया है। ये 2 इंग्रेडिएंट्स डालना, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स, अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो जितने भी चीज़ें हैं सबको मैंने मिक्स करके ना फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए 1/2 घंटे के लिए। उसके बाद फ्रीजर में नहीं रखना है, नीचे फ्रिज में रखना है, तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है कीमा, चिपचिपा सा नहीं होता है। अब हाथों को ग्रीस करके हम इसके कबाब बनाएंगे। फ्रिज में से मैंने इसे निकाल लिया है, और इस तरीके से देखिए राउंड शेप देकर, सबसे पहले राउंड शेप देकर ना सबसे पहले बॉल्स बनाएंगे हम इसके सेम साइज़ के, और उसके बाद कबाब का शेप देकर इस तरीके से हम कबाब बना लेंगे। तो छोटे बड़े कोई भी साइज़ के आप यहाँ पर कबाब बना सकते हो, मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बनाऊँगी। और इन कबाब की खास बात यह है कि आप इसे इजीली 1 week के लिए स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो स्टेज पर आने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, कोई भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो आप। तो जब भी आपको स्टोर करना है तो फ्रीजर में रखना है, नीचे फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रीजर में रखोगे तो ईजिली मतलब 1 week के लिए रह सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कबाब को बना लूँगी, जितने भी कबाब है सबको, और बनाने के बाद हम इसे फिर फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने का तरीका भी मैं बताऊँ किस तरीके से इसे फ्राई किया जाता है। तो 1 kg कीमे में आप देख सकते हो ढेर सारे यहाँ पे कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है, तो इसे आप इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना, और बहुत ही ईजी है। और ये शामी कबाब बहुत ही फेमस है, सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई कीमे में बनाता है, कोई गोश्त में बनाता है, गोश्त के पीसेस लेकर। तो हम यहाँ पे कीमे में बना रहे थे। यहाँ पे 2 अंडे मैंने लिए थे, इसे थोड़ा सा नमक डालकर मैंने बीट कर लिया है, और अब बारी आती फ्राई करने की। तो फ्राई पैन पहले से गैस के ऊपर रख दें, इसे डीप फ्राई नहीं किया जाता, शेडो फ्राई करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल फ्राई पैन में डाल दिया था,
और कबाब को हम अंडे में डीप करेंगे इस तरीके से अलट पलट करते हुए, और फ्राई पैन में हम इसे छोड़ देंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना होगा, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर करेंगे ना तो कबाब में जो अंडे की कोटिंग हमने की है ना वो जल जाएगी। तो इसके लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर आराम से इसे पेशेंस रखकर फ्राई करेंगे, और फटाफट से फ्राई भी हो जाते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप लोग इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना इसे। तो जितने भी कबाब है सबको, मतलब जितने आएगी फ्राई पैन में उतने मैं इसमें ऐड कर दूंगी, बाद में जितने भी कबाब है सबको फ्राई कर लूँगी। एक साइड से जब हो जाएगी फ्राई इसमें पलट दूंगी, कुछ 5 मिनट लगेंगे, और फिर देखिए 5 मिनट कंप्लीट हो चुके, इसे मैं पलट दूंगी। दूसरे साइड से भी इसी तरीके से 5 मिनट में फ्राई कर लूँगी गोल्डन कलर आने तक। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना होगा, और इसे बहुत ही हल्के हाथ से हमें पलटना होगा, ये टूट जाते हैं। इसके लिए बहुत ही नाजुक होते हैं ये कबाब, टूट जाते हैं। तो देखिए दोनों साइड से हम इसे फ्राई करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। तो देखिए फिर 10 मिनट में कंप्लीट हो चुके हैं और कबाब दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे मैं निकालूंगी। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, पाव के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, या इसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्टी कबाब। यहाँ पे बनकर रेडी हो जाते हैं मटन शामी कबाब, तो ग्रीन चटनी जो होती है ना पुदीने की, उसके साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसे ट्राई करना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आसान से रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।